Koratala Siva, Telugu feminist, one of the most talented director hai. Aur director Koratala ne 2013 se shuru karke abhi tak ki box office par successful film mein de chuke hai. Aur unhe 3 Filmfare Awards South, 6 IFA Awards aur 6 Cinema Awards jeeta hai. To dosto aaj main director Koratala ke box office ka analysis ke bare mein batane wali hu. To agar aap ho director Koratala ka fan to video shows and tak zarur dekhna aur ek like bhi dena. To chaliye intro ke baad milte hai. ये 2013 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है कोराटाला सिवा ने और इसमें रेबल स्टार प्रभास और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है. इसमें जय अपने देश वापस आते हैं अपने गर्लफ्रेंड विनेला की वायलेंट फैमिली को ठीक करने के लिए, पर बाद में कैसे जय का एक डार्क पास्ट बाहर निकल के आता है वह इसमें दिखाई गई है और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.2/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई. नंबर 2 श्रीमान थडू. ये 2015 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है कोराटाला सिवा ने और इसमें प्रिंस महेश बाबू और श्रुति हसन लीड रोल में है. इसमें एक मिलियनियर हर्षव एक पूरे गांव के साथ मिलकर एक शहर के पॉपुलेशन को कैसे हेल्प करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और ये 2015 का मोस्ट हाइप फिल्म रहा और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.6/10 और इसका बजट था 60 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 120 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 200 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. नंबर 3 जनाथा गैरेज. ये 2016 का एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है कोराटाला सिवा ने और इसमें कॉम्पिट एक्टर मोहनलाल जूनियर एनटीआर समंता और नित्या मेनन लीड रोल में है. इसमें आनंद और उनका गैरेज वर्कर्स ने मिलकर कैसे लोकल गुंडों के अगेंस्ट पे फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.3/10 और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका बजट था 65 करोड़ इंडियन कलेक्शन 135 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 160 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. नंबर 4 भारत आने नेनू. ये 2018 का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है कोराटाला सिवा ने और इसमें प्रिंस महेश बाबू और कियारा अडवाणी लीड रोल में है. इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद भारत में इंडिया गवर्नमेंट की कॉर्प्ट लोगों के अगेंस्ट पे लड़ाई करने के लिए कैसे सीएम बनने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है और ये 2018 का मोस्ट हाइप फिल्म रहा और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.4/10 और इसका हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका बजट था 68 करोड़ और इसका इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 230 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 280 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. नंबर 5 आचार्य. ये अपकमिंग तेलुगु एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट करी है कोराटाला सिवा ने और इसमें मेगा स्टार चिरंजीवी काजल अग्रवाल और रामचरण लीड रोल में है और 2019 का एपिक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म सारा नरसिम्हा रेड्डी के ह्यूज सक्सेस के बाद अब मेगा स्टार चिरंजीवी ने बिजी है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट आचार्य को लेकर और रामचरण को इसमें एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेगा और रामचरण इस फिल्म पर चिरंजीवी का यंगर वर्जन में नजर आएंगे. तो दोस्तों आप आचार्य के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना. तो दोस्तों ये रहा डायरेक्टर कोराटाला सिवा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में. इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथ ही बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना.